नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 नवंबर मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। वनपाल भर्ती की पूरी परीक्षा ही सवालों के घेरे में आ गई है। वन रक्षक भर्ती 2022 में निकाली गई थी। दो साल से बेरोजगार परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तमाम दावों के बावजूद 12 नवंबर की दूसरी पारी का पेपर लीक हो गया। 100 में से 62 सवालों के जवाब व्हाट्सएप पर वायरल होते रहे और उसके सौदे होते रहे। फिलहाल यह पेपर रद्द कर दिया गया, लेकिन 13 नवंबर की तीसरी पारी में भी 100 में से 50 सवालों के जवाब सोशल मीडिया पर शेयर होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में पूरी भर्ती परीक्षा पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। 2300 पदों के लिए यह एग्जाम लिया गया था। 12 और 13 नवंबर को हुई वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 में 12 नवंबर को दूसरी पारी का पेपर रद्द किया गया। इसमें 4,02,129 अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। इन्हें दोबारा जनवरी में परीक्षा देनी होगी। पेपर लीक के विरोध में हजारों बेरोजगार जयपुर में जुटे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर का घेराव किया। राज्य सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी पर विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक रखे जाने थे, लेकिन ऐन मौके पर प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। यह प्रक्रिया आगामी आदेशों तक रोकी गई है। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के उपनिदेशक के नाम वाला एक आदेश दोपहर को वायरल हुआ। इसमें लिखा है कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी में रिक्त पदों पर शिक्षक लगाने की प्रक्रिया आगामी आदेशों तक स्थगित की जाती है। उल्लेखनीय है कि मेरिट सूची बन चुकी है। कई दिनों की भागदौड़ के बाद एक एक पद पर 200 से ज्यादा तो कहीं 100 से ज्यादा आवेदन थे। बेरोजगार अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों का मजाक बना दिया है। दिल्ली पुलिस ने 5 महीने पहले यानी मई 2022 में हुए एक कत्ल का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि आफताब अमीन पूनावाला नामक शख्स शादी का झांसा देकर कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला सहकर्मी श्रद्धा वाकर को मुंबई से दिल्ली लेकर आया। जब श्रद्धा ने शादी का दबाव बनाया तो आफताब ने उसकी हत्या कर शव के कई टुकड़े कर दिए, फिर उन्हें दिल्ली के अलग अलग ठिकानों में फेंक दिया। घटना के करीब 5 महीने बाद वारदात का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया है। आफताब ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि दोनों के बीच शादी को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बनाती थी, इसलिए उसने 18 मई को श्रद्धा की धारदार हथियार से हत्या कर डाली, फिर लाश के कई टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी आफताब से पूछताछ के बाद कुछ हड्डियां जंगल से बरामद की हैं। फिलहाल उसे पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र के गणेशगंज के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। इटावा पुलिस ने बताया कि रात को तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना में बाइक चालक और उसके पीछे बैठी महिला की मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त मनीषा मीना और लखन मीना उर्फ कालू के रूप में हुई है। थानाधिकारी धनराज मीना ने बताया कि मृतका मनीषा मीना मूलतः रूप से नलावता की रहने वाली थी, जिसका विवाह उम्मेदपुरा बंबूलिया में हुआ था। मृतका के नाते प्रथा के तहत पिपलदा वीरम निवासी लखन मीना उर्फ कालू से शादी की थी। घटना के दौरान दोनों बाइक से इटावा की ओर आ रहे थे, तभी गणेशगंज मोड़ के समीप हादसा हो गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। डेरा प्रमुख राम रहीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख की 40 दिन की पैरोल के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने पर सवाल उठाए, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता के चीफ सेक्रेटरी को मांग पत्र दिया है, सरकार उस पर गौर करे और उचित कार्रवाई करे। याचिका में कहा गया था कि नियमों के अनुसार पैरोल पाने वाला व्यक्ति जहां रुकता है वहां के जिला अधिकारी से राय ली जाती है, लेकिन राम रहीम के मामले में इस नियम की अनदेखी की गई। याचिका में कहा गया है कि राम रहीम पंजाब को सीधे सीधे प्रभावित करता है। राम रहीम की पैरोल से शांति भंग होने का खतरा है। बांसवाड़ा जिले में सब्जी बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच हुआ विवाद इस कदर बढ़ गया कि आवेश में पति ने पत्नी को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों में अनबन के बाद युवक घर से बाहर गया और जहर पी लिया। उसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। मामला दानपुर थाने का है। दरअसल बारी कटुम्बी निवासी 22 वर्षीय मनोज सुबह के समय उसके घर में सब्जी बना रहा था, तभी किसी वजह से दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ।
इसके बाद मनोज ने घर में बैठकर ही खाना भी खाया, लेकिन पत्नी को बोलना बंद नहीं हुआ। इससे गुस्साए मनोज ने पत्नी के थप्पड़ जड़ दिया। विवाद के बीच युवक घर से बाहर निकला और जहर पी लिया। फिलहाल युवक की हालत स्थिर बनी हुई है। करीब 3 साल पहले दोनों का विवाह हुआ था। अजमेर जिले में 23 वर्षीय युवती को ठंडे पेय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेसुध कर जबरन शारीरिक संबंध बनाए, बाद में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी और शादी का झांसा देकर अबॉर्शन कराया। मामला सरवार थाना क्षेत्र का है। पीड़िता व आरोपी केकड़ी में पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के नोट्स के बहाने आरोपी उसे दोस्त के कमरे पर ले गया और रेप किया। अश्लील वीडियो भी बनाया जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप किया। प्रेग्नेंट होने पर आरोपी वे उसके माता पिता ने शादी का झांसा देकर अबॉर्शन कराया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद आसिफ और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले में गैस गीजर की रिपेयरिंग के दौरान हादसा हो गया जिससे 3 जने झुलस गए। 3 जनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना जिले के रावला थाना क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार रावला के वार्ड नंबर 9 में गैस गीजर में खराबी आ जाने के कारण उसकी रिपेयरिंग की जा रही थी। इस दौरान गैस पाइपलाइन फट गई जिससे आग लग गई। आग ने 3 जनों को अपनी चपेट में ले लिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने आग को बुझाया और 3 को अस्पताल में भर्ती करवाया। झुलसे 3 जनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहाँ 3 की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। हरियाणा के हिसार के हांसी के समीप गांव सोरखी के पास हुए सड़क हादसे में उमरा निवासी 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा गाड़ी के आगे पशु आने से हुआ। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे ड्रेन में जा गिरी। हादसे को लेकर पुलिस की छानबीन जारी है। बताया जा रहा है कि उमरा निवासी डॉक्टर सतीश और खिलाड़ी राकेश गाड़ी में सवार होकर अपने दोस्त से मिलने सोरखी गाँव जा रहे थे। इसी बीच गाड़ी के आगे एक पशु आ गया। पशु से बचने के प्रयास में गाड़ी बेकाबू होकर ड्रेन में जा गिरी। ड्रेन की गहराई 20 फुट के करीब बताई जा रही है। सड़क किनारे की यह ड्रेन गहरी तो थी ही, साथ ही इसमें गंदा पानी भी भरा हुआ था। हादसे में गाड़ी में सवार डॉक्टर सतीश और खिलाड़ी राकेश की मौत हो गई। डॉक्टर सतीश की उम्र 33 वर्ष और खिलाड़ी राकेश की उम्र 24 साल बताई जा रही है। राकेश की अभी तक शादी नहीं हुई थी। डॉक्टर सतीश के एक लड़का और एक लड़की 2 बच्चे हैं। पुलिस हादसे को लेकर छानबीन कर रही है।